हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल करके आ रही है। EMRS की तरफ से हॉस्टल वार्डन की रिक्रूटमेंट 2024 की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स देखिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यूनिट होता है जिसमें आपको SC ST के जो भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चे होते हैं उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कूल बिल्ड करी थी। फ्रेंड्स, इसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करें ना, तो विभिन्न तरह के पदों को कंबाइन करके यहाँ पर आपका 38,000 सीट रहेगा। पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्टल वार्डन की रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो टोटल सीट है ना, वो आपका 811 है। अगर इससे रिलेटेड आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करके देखना है तो फ्रेंड्स वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। पहले ही बता दिया फ्रेंड्स कि टोटल सीट 811 रहेगा, जिसके लिए एज का लिमिट क्या रहेगा। पहले तो ये जानेंगे किस डेट से एज कैलकुलेट की जाएगी। एज ऑन 1st of August 2024, 1 अगस्त 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 35 वर्ष के सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे। बट एज यू नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अपर एज में OBC को 3 ईयर्स का एंड SC ST को मिल जाता है 5 ईयर्स का। तो एज का क्राइटेरिया तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बता दूं कि फॉर्म की फ़ी क्या होगी। जनरल OBC EWS से 1,000 रुपीज़ लिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हो तो आपसे कोई फ़ी नहीं चार्ज की जाएगी। क्वालिफिकेशन सिंपली जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, डजेंट मैटर किस स्ट्रीम से आपने किया है, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे। आपका परसेंटेज का भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब आगे समझ लेते हैं कि व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस पोस्ट। सिलेक्शन आपका बहुत ही आसान है। पहले स्टेज पर सिंगल स्टेज आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद DV एंड मेडिकल सिंपल सा होगा, देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आगे हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस एग्ज़ाम पैटर्न डिस्क्राइब कर देती हूँ, आपको एकदम डिटेल में समझा देती हूँ। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं 120 मार्क्स के लिए। टाइम रहता है 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब 0.25 का निगेटिव मार्किंग होगा। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि जो भी आपका GK GS है उससे 10 प्रश्न रहेगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस रहेगा। नॉलेज ऑफ ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस रहेंगे। नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रेन सेफ्टी रिलेटेड, मतलब जो बच्चों के सुरक्षा से रिलेटेड जो भी एक्ट यानी धारा है उससे भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर के लिए। लास्टली लैंग्वेज से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। आप जिस भी जो रीजन का फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ का आपको क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए। 10 क्वेश्चन उससे भी रहेगा, 10 क्वेश्चन हिंदी का, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का और 10 रीजनल लैंग्वेज रहेगा। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। जिसको क्वालिफाई करोगे आप, तो सिंपल सा एक DV एंड मेडिकल होगा, देन ज्वाइनिंग लेटर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सैलरी क्या मिलती है। फ्रेंड्स, इसमें आपको सैलरी जो है 29,200, मतलब 30,000 के अप्रॉक्स से शुरुआत होती है। आफ्टर पर्स अलाउंसेस आपकी सैलरी 92,300 रुपीज़ हो जाती है। 93,000 के करीब आपकी ये सैलरी बढ़ के बाद में हो जाती है। तो बाकी सब कुछ तो इसका डिटेल समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म आएगा कब तक। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पिछले वर्ष भी इसका वैकेंसी आया था और बहुत जल्द उसका सारा काम जो है बहुत तेजी में करा लिया गया था। अभी ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन चल रहा है, तो इसके लिए जो अप्लाई का डेट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से सीट तो क्लैरिफाई कर दिया गया था कि टोटल 38,000 है, किस पोस्ट के लिए कितना सीट रहेगा, सारा कुछ मैंने पहले के एक वीडियो में आपको बताया। लेकिन फॉर्म जो आएगा ना आपका,
जून के लास्ट तक आएगा और जुलाई में 100% आपका ई फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तैयारी की स्पीड को करिए बूस्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। आई होप कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सारा कुछ डिटेल में आप समझ गए होंगे। अब भी कहीं पर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो अपने क्वेरी को कमेंट सेक्शन में आप क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है, ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।